please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जिसके लिए अखिल भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट महासंघ और विश्व किक बॉक्सिंग महासंघ से मान्यता मिल चुकी है. दावा किया जा रहा है कि माइक टायसन के प्रमोशन करने से मिक्स्ड मार्शल आर्ट को बढ़ावा मिलेगा. जिसकी तैयारियां मुंबई में पूरी हो चुकी हैं, लीग के आयोजकों ने दावा किया कि मिक्स मार्शल आर्ट लीग में दुनिया भर की कुल 8 टीम हिस्सा लेंगी और हर टीम में 9 खिलाड़ी होंगे जिनमें 2 महिलाएं भी होंगी. मिक्स्ड मार्शल आर्ट लीग का पहला मुकाबला वर्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में होगा. इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, इसलिए हमने माइक टायसन को लाया था कि ये प्लेटफॉर्म इसको प्रॉपर एमएमए को मिले. आयोजक पूर्व हैवीवेट मुक्केबाजी चैंपियन माइक टायसन को आगरा का ताजमहल और देश की अहम जगहों का दौरा भी करवाएंगे. भारत में तेज चलने वाली ट्रेनों में शुमार शताब्दी और राजधानी को पीछे छोड़ उनकी जगह लेने के लिए T18 नाम की नई ट्रेन आने वाली है. शताब्दी की जगह लेने वाली इस ट्रेन को पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है जो जल्द ट्रायल के बाद पटरियों पर दौड़ती दिखेगी. ये ट्रेन देखने में जितनी खूबसूरत है इसकी खासियत भी उतनी ही लाजवाब. ये इंडिया में डेवलप ट्रेन सेट है, तो बहुत बड़ा प्रयास है. ये ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से पटरी पर दौड़ सकती है. इस ट्रेन में कोच तो हैं, लेकिन इसमें बोगियां नहीं है, बल्कि ये ट्रेन एक सेट में चलेगी. T18 में इंजन भी नहीं लगा, बल्कि ये ट्रेन पावर कार से चलेगी. इसके जितने डब्बे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और अमूनन आमतौर पर उन डब्बों को सेपरेट नहीं किया जाता. वैसे ही पहुँचती है किसी स्टेशन पे और पलट के वापस चल देती है. ट्रेन T18 के भीतर आरामदायक सीट तो है ही, दिव्यांगों के लिए भी इस ट्रेन में बेहतर व्यवस्था के अलावा कई नई सुविधाएं दी गई हैं. साथ ही एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए काफी जगह दी गई है. दावा किया गया है कि इस ट्रेन में लोगों का सफर बेहद आरामदायक होगा. साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ट्रेन में कई सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखा गया है. जानकारों के मुताबिक ट्रेन जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ेगी वैसे ही इसे तुरंत ब्रेक लगाकर रोकना आसान होगा. तो ये ट्रेन सेट लॉन्च करी जा रही है T18 नाम की. पहली ट्रेन सेट अक्टूबर महीने में ICF से बनके निकलेगी. बताया गया कि चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ट्रेन T18 ट्रायल के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका 2018 में बनने की वजह से T18 नाम दिया गया, जो ट्रायल के बाद 2018 के अंत तक पटरियों पर दौड़ेगी. 2022 तक देश की ज्यादातर गाड़ियां सुरक्षा के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेंगी. इसके लिए सरकार ने अक्टूबर से बाजार में आने वाली ज्यादातर कारों में कई नए सेफ्टी फीचर तय कर दिए हैं, जिसमें सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों में खास बदलाव किए जाएंगे. हर साल पैदल यात्रियों की सड़क हादसे में मौत के बढ़ रहे आंकड़ों की वजह से सभी कारों में कई सेफ्टी फीचर को जरूरी किया गया है और इसलिए पैदल चलने वालों के लिए कार के बोनट का नया डिजाइन तैयार किया गया है, जिससे सड़क हादसे होने पर पैदल चलने वाले लोगों को गंभीर चोट ना लगे. साथ ही अगले जो 4 साल है आने वाले, उसमें ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और AEB यानी ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को भी नए कारों में शामिल किया जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं. मरने वालों में 60% पैदल चलने वाले लोग होते हैं. उत्तर प्रदेश के बलिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए BJP का एक कार्यकर्ता फूट फूट कर रोने लगा. उसने बताया कि वो इस मुलाकात में शामिल होना चाहता था, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगा. BJP के दूसरे कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी. एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तो उसी बीच बाहर BJP कार्यकर्ता उनसे मिलने की मिन्नतें कर रहा था. BJP कार्यकर्ता ने पार्टी नेताओं और पुलिस वालों पर उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगाया, जिसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस घटना के समय वहां काफी हंगामा भी हुआ, जिस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी नाराजगी जाहिर की. दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने PMO से मिली शिकायत के बाद पुलकित महाराज नाम के एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया, जिसने प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों के साथ अपनी तस्वीर बनवा रखी थी. आरोपी के गाजियाबाद का रहने वाला पुलकित खुद को प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक गुरु बताता था और प्रधानमंत्री के नाम पर अलग अलग राज्यों में VIP सुरक्षा और इंतजाम करवाता था. PMO में तैनात एक अधिकारी ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को थी, जिसके बाद पुलिस ने अगस्त में मामला दर्ज किया था और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आनंद, कैसे ये शिकायत PMO को करनी पड़ी, किस तरह की जानकारियां मिली कि ये नाजायज फायदा उठा रहा है, प्रधानमंत्री के नाम को बार बार इस्तेमाल कर रहा है? जी देखिए, इसमें 2 शिकायतें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली थी. एक सीतापुर के DM की तरफ से मिली थी और एक प्रधानमंत्री कार्यालय से, जिसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि कुछ मॉब्ड पिक्चरों के जरिए या कुछ VIP लोगों को पिक्चर फोटो दिखा के और खुद को
खुद को बड़ा एक अधिकारी बता के केंद्र सरकार का अलग अलग अपनी डेजिग्नेशन बता के ये जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लेते थे, जहां जहां भी जिस राज्य में जाते थे वहां पर ये खुद को कथक डांसर बताने के अलावा पीएमओ या केंद्र सरकार के बड़े पदों पे आसीन शख्स बताते थे। और ये भी बताते थे कि मैं कई जो वीवीआईपीज हैं उनका आध्यात्मिक गुरु हूँ, स्पिरिचुअल गुरु हूँ, और कई जो वीवीआईपीज हैं उन लोगों को कथक की ट्रेनिंग दी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो रोहिणी की टीम है उन्होंने ये जो पुलकित मिश्रा है इन्हें गिरफ्तार किया है। 5 दिन की पटियाला कोर्ट ने इन्हें पुलिस रिमांड दी है। आनंद तिवारी जानकारी। वेलकम बैक। एशिया कप में आज महत्वपूर्ण मुकाबला, फाइनल मुकाबला है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और सीधे इस वक्त जानकारी के लिए दुबई से विमल कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, पहली जानकारी क्या है इस मैच से जुड़ी हुई? देखिए, ये भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हर कोई उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है, भारत ने टॉस जीता है लेकिन पहले बल्लेबाजी के बजाय पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और ये सही फैसला है क्योंकि ये उसी पिच पर मैच हो रहा है जहाँ पर भारत अफगानिस्तान का मैच हुआ था, और बाद में बल्लेबाजी करना ज़्यादा सहूलियत वाला होगा। टीम इंडिया ने कई बदलाव किए हैं, जो टीम खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ उसके मुकाबले सारे जो नियमित खिलाड़ी वो आ चुके हैं। बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि बड़े मैच हैं। हम दर्शक से ही जानना चाहेंगे, आप लोग को क्या लगता है बांग्लादेश अपसेट कर पाएगी इंडिया को? क्यों ऐसा क्यों लगता है कि भाई बांग्लादेश, क्योंकि वो भी तो अच्छा खेल के आई है? बताइए। अभी तो शिखर धवन, रोहित शर्मा तो अच्छा फॉर्म है, लाजम इंडिया जीतेगा। आप देख सकते हैं, आपको मनोज दिखाएंगे कैमरामैन हमारे स्टेडियम के बाहर का माहौल। माहौल में किसी तरह, उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। जितने लोग पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आ रहे थे उतने ही लोग आए हैं। जो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फासला है दोनों टीमों के बीच वो ओपनर्स का है। शिखर धवन और रोहित शर्मा, इन दोनों की जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में करीब 90 की औसत से रन बनाए हैं 5 अगर मैच जो हुए हैं। वहीं बांग्लादेश के जो ओपनर हैं वो 9 की औसत से रन बनाए हैं, यानी लगभग जो ओपनिंग प्लेयर है उसमें 10 गुना फासला है। धोनी के फैन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या उम्मीद है? बस ये उम्मीद तो ये है 2016 रिपीट होगा, 2018 में इंडिया बांग्लादेश का भी हुआ था फाइनल, और आज भी इंडिया पाकिस्तान। तो आप देख सकते हैं जो जितने फैंस हैं उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए मैच देखा जाए बहुत बड़ा मैच है। हालांकि बांग्लादेश के जो कोच हैं या कप्तान हैं लगातार डाउन प्ले कर रहे हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अंडर डॉग्स हैं, हमसे उम्मीद मत कीजिए, इंडिया नंबर 2 है, इंडिया एशिया की चैंपियन है, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इंडिया के खिलाड़ी। तो एक तरह से देखा जाए मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, उम्मीदों का जो दबाव है उन्होंने इंडिया के माथे पर डाला है, खुद को दबाव फ्री रखा हुआ है। लेकिन एक बात और है, एक बात और है जो हम अपने आंकड़ों को अगर देखें तो हमने देखा है कि हम जब धुरंधर टीमों के साथ खेलते हैं तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम अंडर प्ले अपने आप को कर रही टीमों के साथ खेलते हैं तो हमारा जो प्रदर्शन होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो बांग्लादेश के लिए इस मैच में खोने को कुछ नहीं है। अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच जितने मुकाबले हुए हैं सिर्फ 5 मैच जीते हैं बांग्लादेश ने, और ये 5 जीते जो है एक बार वो जीतते हैं उसके 4 साल बाद जीत आती है उनके, और अभी भी बांग्लादेश ने आखिरी बार टीम इंडिया को 2015 में हराया था, 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है। बड़े मैचेस में कभी भी बांग्लादेश में नहीं हराया, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का एक जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है क्योंकि टूर्नामेंट में टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली है, इसकी कोई मायने नहीं रहेंगे अगर वो बांग्लादेश से हार जाए। वहीं बांग्लादेश के लिए पाने के लिए हर कुछ है। एशिया में पिछले बार भी वो हारे थे, और अगर वो चमत्कार करने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये एक मिनी वर्ल्ड कप है। आपको बता दें ये एशिया कप नहीं है, मिनी वर्ल्ड कप है। यहाँ पर जो टीमें खेली है 5 टीमें अगले साल वर्ल्ड कप में होंगी, तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत अहम ट्रॉफी उठाना बहुत बड़ी बात होगी, खासकर ये देखते हुए कि नियमित कप्तान विराट कोहली नहीं है, कई नियमित खिलाड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है इस मैच में चमत्कार होगा? चमत्कार की कोई जरूरत ही नहीं है, इंडिया इज विनिंग, इंडिया इज, ये बांग्लादेश के एक फाइनल, बांग्लादेश फाइनल विन, फाइनल विन बोल रहा है कि बांग्लादेश में दम ही नहीं है। ये दम ही नहीं है, तुम्हारा पास है, मेरा देश बांग्लादेश टुडे जीत गया, जीत गया, जीत गया बांग्लादेश, जीत गया। तो बांग्लादेश के फैंस देखिए कलरफुल फैंस है, इंडिया जीतेगा पक्का, यकीन है इंडिया जीतेगा। कैमरामैन मनोज दिखाएंगे लोगों का जो तांता है आपको स्टेडियम से, लोगों का
घटना आप पूरे पूरे स्टेडियम में देख सकते हैं, हर सेक्शन में पूरा फुल क्राउड है। हमें लग रहा था कि भाई पाकिस्तान का मैच नहीं है तो शायद टिकट बिकेंगे या लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। पिछले कई घंटों से आप देख सकते हैं ब्लू जर्सी में टीम इंडिया के जितने फैंस हैं वो आ रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, किसी तरह की उत्साह की कमी नहीं है। लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए, टीम कोई भी जीते उम्मीद की जानी चाहिए कि मैच कम से कम अच्छा होगा। भारत और अफगानिस्तान का जिस तरह का मैच हुआ था, एक रोमांचक मैच था, आखिरी गेंद तक भी मैच में फैसला नहीं हुआ था। जी विमल, और लगातार आप हम तक तस्वीरें भी ये पहुंचा रहे हैं, 12 मिनट का फासला और रह गया है और ठीक 5 बजे मुकाबला शुरू होगा। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने टॉस जीता लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। विमल कुमार दुबई से तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। पटना में कांग्रेस के एक पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने नया पोस्टर लगवाया जिसमें नेताओं की तस्वीर के साथ भारतीय लिख दिया गया। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पटना में पोस्टर लगवाए थे जिसमें नेताओं की तस्वीर के साथ उनकी जाति लिखी थी, जिसके बाद पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बीजेपी ने भी पोस्टर लगवाया। इस पोस्टर के जरिए पार्टी ने कांग्रेस पर जातिवादी राजनीति के लिए निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है और यह तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स चौराहे का। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं का पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि भारतीय हैं। ये पोस्टर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से लगवाया गया जिसमें सबसे ऊपर सबका साथ सबका विकास के साथ समरस समाज लिखकर बीजेपी को हर भारतीय का हितैषी बताने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों ओर से जवाबी वार पलटवार भी शुरू हो गया जिसमें बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी कूद पड़ी और जाति की राजनीति को कांग्रेस के लिए खतरा बताया। उसके मुताबिक राहुल गांधी की नीतियां कांग्रेस के खात्मे की वजह है। कलयुग के कालिदास हैं श्रीमान राहुल बाबा जी। जब तक कांग्रेस पार्टी को जड़ से काट नहीं लेंगे ना, ये जमीन पे नहीं गिरेंगे। जब जमीन पे गिरेंगे जिस दिन, उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वहीं बिहार में सियासी हलचल की शुरुआत करने वाली कांग्रेस ने खुद का दामन साफ बताते हुए बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाया। उन्हें तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनके नेता मोदी जी ने बिहार में जब चुनाव कैंपेन की शुरुआत किया था तो खुद को पिछड़ा वर्ग का नेता बताया था बड़ी सभा में। गिरिराज सिंह अब अपने नाम में गोत्र जोड़ता है, हम सांडली गिरिराज सिंह हो गए। कांग्रेस ने भी ये साफ किया कि कुछ दिन पहले पटना में लगे पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए थे जिनकी जरूरत नहीं थी। अहमदाबाद में जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर केमिस्ट एसोसिएशन के कुछ सदस्य नारेबाजी करने लगे। इन सभी लोगों ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में नाराजगी जताते हुए अपनी दुकानें बंद रखी और कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जुटकर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने हाथों में बैनर और तख्तियां ली हुई थी जिनके जरिए दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को बंद करने की मांग की गई। अहमदाबाद में भी आज सारे जो केमिस्ट एसोसिएशन के जो जिसमें शामिल हैं वो सारे लोग यहाँ अहमदाबाद कलेक्टर कचहरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन जिस तरीके से दवाइयां बिक रही है उसके खिलाफ उनका विरोध है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दावा किया कि ऑनलाइन बिक्री के विरोध में पूरे गुजरात में करीब 38,000 दुकानों को बंद रखा गया है। किसी प्रकार का लाइसेंस इनको दिया नहीं है। अभी तक जो भी ऑनलाइन व्यवसाय चल रहा है ई फार्मेसी का वो गलत ढंग से चल रहा है। केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 2016 में 28 सितंबर की रात को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए थे, जिसके 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक खुली गाड़ी में सवार होकर सेना के हथियारों की प्रदर्शनी देखी जिसमें जहाज, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और टैंक शामिल थे। यहाँ के तोप्स हो और तमाम जो इक्विपमेंट्स है, कई ऐसी मिसाइल लॉन्चर भी हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं जो अपने आप में सेना की ताकत को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कोणार्क वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए और लिखा, राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति पर गर्व करता है जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहती है। देश के लिए बलिदान देने वाले उन बहादुरों को मेरा सलाम है और वे सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री को जोधपुर पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीएम हाउस के बाहर एक आदमी नवाज शरीफ की भैंस के साथ सेल्फी लेने लगा। ये भैंस उन 8 भैंसों में शामिल थी जिनकी इमरान खान ने गैर जरूरी खर्चों का हवाला देते हुए 23 लाख में नीलामी करवा दी।
जिसके बाद उन्हें खरीदने वाले लोगों ने भैंस के साथ अपनी फोटो खींची। इन भैंसों को खरीदने वाले ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के समर्थक थे। नवाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ता ने तो 1,25,000 की भैंस 3,85,000 रुपए देकर खरीदी। सर पता है हमें रेट ज्यादा है, लेकिन ये है कि ये हम मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में हमने खरीदी। पीएम हाउस में नीलामी किए गए भैंसों की कीमत बाजार में 1,00,000 रुपए के आसपास थी, लेकिन लोग उन्हें तिगुने दाम में भी खरीदने के लिए राजी थे। इनमें कुछ नवाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि एक वक्त भैंसों की कीमत ज्यादा होने की वजह से उनका गुस्सा भड़क गया। जिन्हें नीलामी करवा रहे अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। ओपन है, हम उसको देंगे, रिसीव कर देंगे। भैंसों की कीमत की परवाह ना करते हुए लोगों ने पूरे रुपए कैश देकर भैंसों को खरीद लिया। सबसे ज्यादा बोली लगाकर भैंसों को खरीदने वाले लोगों ने दावा किया कि ये भैंस उन्हें नवाज शरीफ को देने के लिए खरीदी है। मियां साहब की मोहब्बत की वजह से 3,05,000 की ली है, अगर हो सका तो मियां साहब को गिफ्ट भी करेंगे। इन भैंसों की नीलामी से पहले फिजूल खर्ची का हवाला देते हुए इमरान खान ने नवाज शरीफ की 61 लग्जरी कारें भी बेची थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह की 111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरभजन सिंह समेत कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आजादी में उनके अहम योगदान को याद किया। यूपी के आजमगढ़ में डिलीवरी के लिए अस्पताल आई एक महिला के परिवार वालों ने एक डॉक्टर पर पैसे नहीं देने पर ऑपरेशन छोड़कर चले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। यूपी के बागपत में कुछ लोगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसान टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे समझाकर नीचे उतारा। बिहार के दरभंगा में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक चलती बस में आग लगने के बाद सभी 30 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार एक हथियार तस्कर की निशानदेही पर पुलिस ने बिहार के मुंगेर से 12 और AK-47 बरामद करने का दावा किया। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे रिफत अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर उसे बिना शर्त समर्थन दे सकती है। सूत्रों का दावा है कि आर्टिकल 35A के मुद्दे पर PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का मन बना रही है। रिफत, क्या वाकई इस खबर पर मोहर लग रही है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि आज एक जो सीनियर लीडर हैं PDP के अल्ताफ बुखारी, उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई इसमें कोई बुराई नहीं लगती है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP सरकार बनाती है 35A के दिफा के लिए। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब यहाँ पे BJP को 25 सीटें मिली थी, PDP को 28 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, तो पहले ही 4 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर किया था PDP को सरकार बनाने के लिए, लेकिन PDP ने उस टाइम नहीं माना जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उन्होंने फिर सरकार बनाई BJP के साथ। तो उसके बाद जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई, आपको मालूम है सारा कि गवर्नर्स रूल हो गए, लेकिन इस तरह की खबरें अब आ रही हैं कि शायद महबूबा मुफ्ती जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बतौर CM कैंडिडेट वहां पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने पहले ही बॉयकॉट किया है इलेक्शन का, तो उसके बाद क्या हुआ यहां पे कुछ कैंडिडेट जो है BJP के वो अनअपोजिट जीत रहे हैं, क्योंकि कोई और कैंडिडेट जो है खड़ा नहीं हो रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को ये लग रहा था कि अगर वो बॉयकॉट करेंगे तो इलेक्शन होंगे नहीं, लेकिन गवर्नर रूल में जो है गवर्नर ने भी बाद में कहा कि इलेक्शन की सूरत में। तेलंगाना के करीम नगर में एक क्रेन की मदद से गणपति विसर्जन कर रहे 4 लोग अचानक क्रेन का तार टूटने की वजह से तालाब में गिर गए। ये लोग क्रेन से लटके एक तख्ते पर खड़े होकर विसर्जन के लिए तालाब की ओर बढ़ रहे थे, जब अचानक क्रेन का तार टूट गया। इस हादसे से पहले लोगों ने चारों को गणेश की मूर्ति के साथ तख्ते पर खड़ा किया और फिर जंजीर से बंधे तख्ते को तालाब की ओर ले जाया गया। तालाब की ओर जाते ही वहां मौजूद लोग जय जयकार करने लगे। इसके बाद वो तालाब में गणेश की मूर्ति बहाने की जगह तलाशने लगे, लेकिन तभी अचानक क्रेन का तार टूटा और चारों लोहे के हुक समेत तालाब में जा गिरे। इन लोगों के तालाब में गिरते ही चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तालाब में गिरे आदमियों को बाहर निकाला। इस हादसे में चारों की जान बच गई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में बजट के विरोध में निकाली गई एक रैली में शामिल लोग पटाखे छोड़ने लगे। हजारों की तादाद में इन लोगों ने रैली के जरिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद लेने का विरोध किया, जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ड्रम भी बजाए।
राष्ट्रपति माउरिसियो मात्री ने देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और मदद लेने की घोषणा की थी। लोगों ने इस मदद का भार बजट के जरिए जनता पर डालने का आरोप लगाया। Mauricio Macri dejó de gobernar la Argentina, cada medida la tiene que consultar con el FMI. प्रदर्शन में शामिल लोगों पर काबू बनाए रखने के लिए वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे, जिनके सामने लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस साल अर्जेंटीना की करेंसी पैसों की कीमत डॉलर के मुकाबले आधी हो गई, जिसकी वजह से वहां आर्थिक संकट और गहरा गया। बिहार के गोपालगंज में एक सड़क हादसे के बाद कार छोड़कर भाग रहे एक लड़के को कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी से बाहर निकालकर पीट दिया। बताया गया कि वहां कार और बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार की मौत के बाद लोग भड़क गए और हादसे के बाद कार छोड़कर भागने वाले लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस बीच जान बचाने के लिए लड़का वहां मौजूद पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बाइक सवार की मौत से गुस्साए लोग नहीं माने और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर लड़के को बाहर निकाला और लाठियों से पीटने लगे। लड़के ने पुलिस वालों से उसे बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन पास ही खड़े पुलिस वाले उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट करने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और लड़के को लगातार पीटते रहे। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने लड़के को भीड़ से छुड़ाया और किसी तरह वहां से निकलकर ले गए। बताया गया कि 5 लड़के किराए की कार लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, लेकिन गोपालगंज के मांझा इलाके में NH 28 पर उनकी कार एक बाइक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार की मौत के बाद 4 लड़के कार छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि एक लड़के को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। हालांकि बाद में बुरी तरह घायल लड़के को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक शिक्षक की हत्या का मामला पुलिस ने 2 घंटे में सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच में सगे भाई ने ही प्राइमरी टीचर की हत्या की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान में लगे CCTV के फुटेज को खंगाला और डॉग स्क्वाड की मदद से अहम सबूत जुटाए। साथ ही मृतक शिक्षक मनीष सिंह के परिवार वालों से कड़ाई से पूछताछ भी की, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक की हत्या के आरोप में उसके छोटे भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने पहले प्राइमरी शिक्षक के खाने की चीज में बेहोश करने वाली दवा मिलाई, जिसके बाद टीचर के भाई ने अपने 2 साथियों की मदद से उसकी बेरहमी से हत्या की। पुलिस के मुताबिक हरदोई में तैनात शिक्षक की हत्या संपत्ति के लालच में की गई। नशीली दवाई खिला दी ताकि वो बेहोश हो जाए, इसके बाद खुद भी वहाँ पर अपने साथियों के साथ बियर पी और इसको जो है निर्मम इसकी हत्या की। वहीं मृतक के परिवार में इसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और जल्द ही उनकी सगाई होने वाली थी। बहुत बड़ाई होने वाली थी नवरात्रि। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने हत्या में साथ देने वाले साथियों को बताया था कि शिक्षक उसका सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई था। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबारी ने अपने 3 कर्मचारियों के काम से खुश होकर उन्हें करीब 1 करोड़ की मर्सिडीज कार तोहफे में दी। हरे कृष्ण डायमंड कंपनी के मालिक सावजी ढोलकिया ने गुजरात की पूर्व CM आनंदी बेन पटेल के हाथों एक मृत कर्मचारी के परिजनों को 1 करोड़ का चेक भी सौंपा और साथ ही अपने 3 होनहार कर्मचारियों को मर्सिडीज कार की चाबी दी। हीरा कारोबारी ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और 5 साल में कंपनी को दुगना फायदा पहुंचाने के लिए हजारों कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। 5 साल में उसने 8,000 तक पहुंचाया है, ये सब एम्प्लॉय का करामत है, ये सब कमिटमेंट का करामत है। जिन 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज कार मिली वो इतने खुश थे कि तोहफा मिलते ही कार पर हाथ आजमाने की कोशिश करने लगे। हीरा कारोबारी ने दावा किया कि इन 3 कर्मचारियों ने पूरी जी जान से कंपनी की तरक्की में भूमिका निभाई है। इसकी मेहनत का फल है, अभी ये पूरा आने वाली मेहनत का नहीं है, जो अभी तक किया उसका रिवॉर्ड है। सावजी ढोलकिया की ये दरिया दिली पहले भी कई बार मीडिया में सुर्खियां बन चुकी हैं। इससे पहले अपने 1200 कर्मचारियों को कार, फ्लैट और ज्वेलरी तोहफे में देकर चर्चा में आए थे। इस बार उन्होंने अपने 3 कर्मचारियों को करीब 1 करोड़ की GLS 350D मॉडल की मर्सिडीज कार दी। प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया के चुक टापू के पास एक विमान लैंडिंग के वक्त समंदर में क्रैश हो गया। पापुआ न्यू गिनी नाम जा रहे इस विमान के गिरने के बाद उसमें सवार कुछ लोगों को तैरकर अपनी जान बचानी पड़ी, जबकि इस हादसे के बाद पानी में फंसे यात्रियों को समंदर किनारे रहने वाले लोगों ने नाव की मदद से बचाया। विमान के पानी में गिरने के बाद वहां दहशत मच गई। समंदर के किनारे कई लोग विमान को पानी में तैरते हुए देखने के लिए जमा हो गए। समंदर में गिरने से कुछ ही देर पहले इस विमान ने उड़ान भरी थी। इस विमान पर चालक दल समेत 47 लोग सवार थे, जिन्हें समंदर से निकालने के बाद अस्पताल भेजा गया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई। सऊदी अरब में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर कनाडा को फटकार लगाते हुए माफी मांगने को कहा। राजस्थान के झालावाड़ में एक पुलिस अधिकारी के तबादले के खिलाफ कुछ लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया।
बिहार के समस्तीपुर में 8वीं के एक छात्र पर स्कूल में फायरिंग करने के आरोप के बाद शिक्षकों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भारत दौरे पर पहुंची वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का गुजरात के वडोदरा में जोरदार स्वागत किया गया। अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने सोशल मीडिया पर डांस का एक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो गया। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सवर्णों से जुड़े एक संगठन ने काले झंडे दिखाए। सवर्ण सेना नाम के इस संगठन ने SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए बदलाव को पूरी तरह गलत ठहराया। साथ ही इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लिए निकल रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का रास्ता रोका। उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही नवगछिया रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े, जहां से उन्हें दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन इस पर भी सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने अश्विनी चौबे का पीछा नहीं छोड़ा, वो भी उनके साथ ही चल पड़े। इस बीच कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ धक्का मुक्की भी की, जिस पर अश्विनी चौबे कुछ देर के लिए असहज हो गए। लेकिन सवर्णों से जुड़े संगठन ने फिर भी SC/ST एक्ट को लेकर मोदी सरकार के रुख पर अपना विरोध जताना नहीं छोड़ा। हालांकि ये प्रदर्शन सिर्फ BJP के खिलाफ ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी जद में NDA में सहयोगी दल JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए। SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर चल रहे विरोध के बीच अश्विनी चौबे नवगछिया रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन वहां भी उनका विरोध नहीं थमा, जिस पर उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान पुलिस के जवान अचानक भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने बंदूक के दम पर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ट्रेन पकड़ने में कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले सवर्णों से जुड़े संगठन ने लोकसभा चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतने की भी धमकी दी। बिहार के जहानाबाद में भीड़ ने सरेआम एक बदमाश की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि बदमाश अपने एक साथी के साथ मिलकर एक व्यापारी से 50,000 रुपए की जबरन वसूली करने आया था, जिसे भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि इसका साथी भागने में कामयाब रहा। भीड़ की पिटाई से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी भीड़ में शामिल एक आदमी ने जमीन पर बैठे आरोपी को गर्दन से पकड़ लिया, जबकि दूसरे आदमी ने आरोपी को पैर से मारा। आरोपी को लहूलुहान कर देने के बाद भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो भीड़ में शामिल लोग आरोपी को रस्सी से बांधने के लिए कहते हुए सुने गए। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और व्यापारी से जबरन वसूली की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस गंभीर रूप से घायल आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंची। साथ ही बदमाश की गोली लगने से घायल हुए व्यापारी को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भाई से टांग दिया पिस्टन, तब बोले काहे लगी गोली चला रहे भाई, हम काम भी जा रहे हैं आपका, तो फड़ाक दे पर गोली मार दिया, गोल में लग गया गोली। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर पकड़े गए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फल व्यवसायी के अनुसार रंगदारी की मांग की गई, जो अपराध कर्मी है उसके खिलाफ अलग से आर्म्स एक्ट का एक केस होगा। लगे हाथ पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी बरामद कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी। महिलाओं को पूजा के लिए बराबरी का हक देते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि उम्र के आधार पर मंदिर जाने से रोकना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में पुरुष और महिला दोनों को पूजा के लिए बराबरी का अधिकार मिला है। 5 जजों की बेंच ने बहुमत से माना कि सबरीमला में भगवान अय्यप्पन की पूजा हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि महिलाएं किसी भी तौर पर पुरुषों से कमतर नहीं है, इसलिए सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में जाने की इजाजत है। कोर्ट के इस आदेश के बाद सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के जाने का रास्ता खुल गया। हालांकि सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर केरल सरकार की पाबंदी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया था, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि महिला के शरीर में आने वाले बदलाव की वजह से अगर उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है तो ऐसी परंपरा या धार्मिक रिवाज महिला के सम्मान के खिलाफ है और असंवैधानिक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि भगवान अय्यप्पन के भक्त अलग धार्मिक संप्रदाय नहीं बनाए। इसके अलावा कोर्ट ने दो टूक लहजे में कहा कि धर्म की आड़ लेकर महिलाओं के पूजा करने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। हालांकि 5 जजों की बेंच में शामिल महिला जज इंदु मल्होत्रा ने फैसले से अलग राय रखी। उन्होंने कहा, सती जैसे मामलों को छोड़कर धार्मिक रिवाजों में दखल देना कोर्ट का काम नहीं है। ये मुद्दा सबरीमला ही नहीं बल्कि देश के दूसरे मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी असर डालेगा। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पहली नजर में 5 आरोपियों पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उनकी नजरबंदी 4 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी।
साथ ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। 2-1 से बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस खानविलकर ने साफ किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी राजनीतिक असहमति की वजह से नहीं हुई और न ही इस मामले में कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने ये भी माना कि पहली नज़र में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे आरोपियों के माओवादियों से संबंधों का पता चलता है और SIT की जाँच की मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी को ये चुनने का अधिकार नहीं है कि मामले की जांच कौन सी एजेंसी करे। हालांकि इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला अगला रहा। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जिसके बाद याचिका दाखिल करने वालों ने निचली अदालत से राहत मिलने की उम्मीद जताई। हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट जाकर हम लोग या ये लोग अपना कोई भी कानूनी रिलीफ मांग सकते हैं। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने 28 अगस्त को पत्रकार गौतम नवलखा और कवि बराबरा राव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर नक्सलियों से संबंध के आरोप है। उसके बाद से ये सभी आरोपी नजरबंद हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक मोबाइल टावर पर चढ़े एक आदमी को उतारने के लिए बचाव दल के लोग उसके पैरों को रस्सी से बांधने लगे। ये आदमी अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया जिसके बाद उसे उतारने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जिस मोबाइल टावर पर ये शख्स चढ़ा हुआ था वो मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर था, लिहाजा उसे उतारने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। पुलिस की जानकारी पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन की मदद से बचाव दल के लोग मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स के नजदीक पहुंचे। उन्होंने उससे नीचे आने की कई मिन्नतें की लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया और क्रेन की मदद से नीचे उतारने लगे। इस बीच उसके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने लगे जबकि उसकी पत्नी धरने पर बैठ गई। हमें हमारा मुआवजा नहीं मिला है, 5 साल से हम भटक रहे हैं, हमारे किसी ने भी किसी तरह से मदद नहीं की है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स को उतार लिया गया। साथ ही पुलिस ने उसकी जमीन का मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। BSF के DG KK शर्मा ने दावा किया पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद सीमा पर हरकतें बढ़ी हैं। उन्होंने कहा सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड बने हैं और पाकिस्तान की नीति आतंकियों को भेजना है। जवान का शव मिलना इस बात का गवाह है। अगर मैं सिर्फ बॉर्डर तक अपने को सीमित रखूं तो बॉर्डर पे कोई चीज चेंज नहीं हुई है। इनफैक्ट ये जो इंसिडेंट है ये इमरान खान साहब के आने के बाद का है और IB पे जहां पहले इस तरह के एक्शन नहीं होते थे बैट एक्शन भी हम देख रहे हैं, तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस जो है वो दूसरी तरफ का दिखाई दे रहा है।